टुडे टॉपिक जो हमने फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब का जो हमने एक वीडियो डाली है उसमें आपने देखा होगा मैंने जेड तक कंप्लीट करवाया है। आज हम फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब को आगे लेके चलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था जो नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है उसके दो टाइप होते हैं, एक तो फाइनाइट वर्ब होती है एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। नॉन फाइनाइट के मैंने पार्ट बताए हैं जैसे कि जेरेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। जिरेंट का आपको पता है कहाँ पे यूज होता है जिरेंट का, यानी कि जहाँ पे आपको होप या मिले आपको स्टॉप या मिले आपको लव या मिले आपको वर्थी। कहने का तात्पर्य जिस साउंड में जिस सेंटेंसेस में ना की साउंड निकले वो हमारा क्या होता है। ऐसे जैसे मैं बोलूँ स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, गुड एक्सरसाइज, ये हमारा जिरेंट बोलते हैं इसको, जिरेंट सेंटेंसेस है, जिरेंट का हर चीज पहले ही आपको देख लो। उसी के हिसाब से अगर हम और एग्जांपल भी ले सकते हैं, स्मोकिंग का ले सकते हैं, एक्सरसाइज का हमने लिया है जो एग्जांपल। नेक्स्ट जो हमारा अगला जो सेंटेंस है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेम ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है लेकिन इसके अंदर डिफरेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है जो आपका सेंटेंस होता है वो अनकम्प्लीट होता है। जैसे मैं बोलूँ कोई सेंटेंस हियरिंग अ नॉइस ही रश फ्रॉम होटल, जैसे यानी कि हियरिंग उसने नहीं सुनी आवाज़ नॉइस, आवाज़ सुनी उसने कोई भी आवाज़ सुनी और क्या क्या उसने आवाज़ सुनी, हियरिंग द नॉइस, हियरिंग द नॉइस ही रश यानी कि वह भागा होटल की तरफ। अब हमारा जो सेंटेंस है कंप्लीट तो नहीं, उसने आवाज़ सुनी और भागा, उसने देखा क्या वहाँ पे, क्या देखा क्या नहीं देखा, वो कंप्लीट तो नहीं है। अनकम्प्लीट सेंटेंस आपको मिलेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिलेगी और वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जेरेंड में आपका कंप्लीट होगा ना की प्रोनाउंसिएशन, और कई बार इसमें ना की प्रोनाउंसिएशन नहीं होती, जेरेंड में ना की प्रोनाउंसिएशन होती है। हम हिंदी में मैं बता रहा हूँ आपको, जेरेंड का जो सेंटेंसेज होता है उसमें आपको ना की प्रोनाउंसिएशन मिलेगी और इसके अंदर ना वर्ड नहीं मिलेगा। जैसे हियरिंग वह उसने आवाज़ सुनी और रस भागा। उसके बाद में आप पास्ट पार्टिसिपल पे जाओगे, पास्ट पार्टिसिपल में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ता है, पास्ट पार्टिसिपल में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ता है। उसमें आपको क्या करना पड़ता है, जैसे कि आपका एक दो कंप्लीट सेंटेंस ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ड्राइव बाय द प्रॉपर्टी, ड्रिवन बाय द प्रॉपर्टी ही कमिटेड सुसाइड। अब इस सेंटेंस का मैं एग्जांपल देता हूं आपको, यहां से एग्जांपल लेता हूं। ड्रिवन का मतलब होता है डूबना, हिज प्रॉपर्टी, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डूब गई तो उसने क्या किया, ही कमिटेड सुसाइड, क्या कर लिया उसने, मार गया। कहने का तात्पर्य है यहाँ पे ड्राइव के बाद में हम जो हमारा वर्ब की कौन सी फॉर्म का यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल में, उसकी प्रॉपर्टी डूबने के बाद में ही कमिटेड उसने क्या किया, कमिटेड यानी कि कमिटेड सुसाइड, और उसने सुसाइड कर लिया। ये आपका पास्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल है। उसी के हिसाब से मैं आपको, कई बार क्या होता है कि एडवांस वर्ब में आपको हैविंग सेंटेंस सुना है, हैविंग सेंटेंस ये मैं आपको अरेंज कर दूँ, आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। इसके बाद में मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा परफेक्ट पार्टिसिपल, इनके एग्जाम्पल है अगेन समझा रहा हूँ मैं आपको। ये देखो ये हमारा जो अगेन सेंटेंस हैविंग वर्ड है, जो हैविंग इसके अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग का हैविंग होता है प्लस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ता है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि हैविंग डन विद इट दे गो डाउन टू वर्क, हैविंग डन विद वर्क, हैविंग डन विद वर्क, हैविंग डन विद वर्क यानी कि यहाँ पे हैविंग के साथ आप मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म डू की
थर्ड फॉर्म लगा दी डन यहाँ पे, जैसे हैविंग डन विद वर्क और उसके बाद में जो अगला सेंटेंस आता है जैसे दे गो डाउन टू वर्क और वो कहाँ पे चले गए, दे गॉट डाउन द वर्क। ओके डियर, ये सेंटेंस है कि इसमें हैविंग के साथ हमेशा ही आपका सेंटेंस है वो आपको कंप्लीट मिलेगा, इसने अपना काम किया और दे गो टू डाउन द वर्क को चले चलते। देखो ये कंप्लीट सेंस मिल रही है आपको ऐसी सेंटेंस में, जैसे जिलन का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वी स्मोकिंग डांसिंग, आईएनजी यूज किया जाता है और वहां पे जो आपकी हिंदी में हम बोलेंगे तो जैसे उसमें ना की साउंड निकलती है, डियर ना की जो साउंड निकलती है तो उसका मीन क्या होता है कि वहां पे जिलन होगा, लेकिन जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में जाओगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का मीन क्या होता है, इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। मैंने जैसे कि एग्जांपल दिया आपको, हियरिंग द वॉइस ही रश टू द रेस्टोरेंट, होटल बोल दो या रेस्टोरेंट बोल दो, वो उसने आवाज़ सुनी और वो भागा, आपको ये तो पता नहीं है कि भी उसका सेंटेंस कम्प्लीट है या नहीं है, इस चीज़ का तो पता नहीं लगा, लेकिन वहाँ पे आपको क्या लगा कि सेंटेंस अनकम्प्लीट है, वहाँ पे आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट में मैं आने आपको पास्ट पार्टिसिपेट के बारे में बताया है, जो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट एडवांस वर्ब बोलते हैं इनको। इसके बाद में जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया, ड्राइवर ड्राइव इज प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, डूब गई, ही कमिटेड द उसने ही कमिटेड सुसाइड, और उसने वर्ब की तरफ कमिटेड उसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया वर्ब, ठीक है आता है। उसके बाद में परफेक्ट पार्टिसिपल, जैसे आपने हैविंग एडवांस वर्ब का काफी बार वर्ड सुना होगा, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, जो कंप्लीट सेंटेंस है जैसे एग्जांपल मैंने पहले ही लिखा है ऑलरेडी, हैविंग डन विद द वर्क्स दे गोट डाउन द वर्क्स, ये आपकी प्रेजेंट जो हमारा नॉन फाइनल वर्ब है, मैंने सिंपली तरीके से इनका इंट्रोडक्शन करवाया है आपको, जो अगर नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उस वीडियो में क्या होगा, मैं देर आपको वर्ब मिलेगी जैसे जिलन के साथ कौन सी वर्ब का यूज होगा, उसके साथ नॉन प्रूफ नेटिव के साथ कौन सा। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको कि जब आप वेर इन्फिनिटिव का यूज करोगे, इनको रफ कर देता हूँ, वेर इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव का आपको पता है, वेर इन्फिनिटिव का यूज विदाउट टू, विदाउट टू के साथ कैसे यूज होगा, होगा अगर विदाउट टू से आपको यूज करना है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आई सेल प्ले, ये सेंटेंस आपको वेर इन्फिनिटिव में मिलेगा, जैसे अब ऑक्सिलरी वर्ब है जो भी है, मस्ट है, कैन है, ठीक है, कुड है, मे है, माइट माइट है, और भी जैसे ऑक्सिलरी वर्ब के मैंने जो वीडियो बना रखी है आपको पता है, जितनी भी वीडियो मेरी बना रखी है, विल है, शैल है, डू डिड भी है, और उसके बाद माइट है, मस्ट है, कैन है, कुड है, ठीक है, और नीड है, ये सारे की सारे जो ऑक्सिलरी वर्ब मैंने आपको करवा रखी मेरी वीडियो जो मोडल्स की वीडियो आपने देखी है उसमें, उसके अंदर आपको मेन इन्फिनिटिव का यूज करना पड़े, माइट है, उसके बाद नीड नीड है, डू है, डिड डू है, ये सारी की सारी जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर जो चीज़ आएगी वहाँ पे आपको इसका यूज करना पड़ता है, मेन इन्फिनिटिव का। टू इन्फिनिटिव का मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो में डाला जहाँ पे नए की साउंड निकलेगी, जैसे भाई आई प्ले टू क्रिकेट, वी वन प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू आ जाएगा, जैसे कई सेंटेंस होते हैं इस टू आर टू वाज टू, ऐसे सेंटेंसों में अगर आप कई बार क्या होता है कि भाई कोई आपको कहते कि भाई मैं नाचूंगी, मैं गाऊंगी, मैं बोलूंगी, ऐसे सेंटेंस बनाने हो तो वहाँ पे आपको टू का यूज करना पड़ता है हेल्प वर्ब के साथ। और कई बार होती है कि पॉजिटिव वर्ब होती है, कई सेंटेंसेज में बोला जाता है भाई उसने मेरे से ये काम करवाया, उसने मेरे से वो करवाया, जो पॉजिटिव वर्ब होती है जैसे गेट वर्ब होती है, ठीक है, मेक वर्ब होती है, या फिर हेल्प होती है, ठीक है, ऐसे ही जो वर्ब होते हैं वो पॉजिटिव वर्ब होते हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है कि कारण, कोई भी कारण को है, कारण से जो भी आपको एक बंदा ये बंदा है, ठीक है, ये बंदा इस बंदे से कोई काम करवाएगा, मर्ज दिलवाएगा, कपड़े दिलाएगा, जैसे भी ऐसे कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोले जाते हैं उनको पॉजिटिव वर्ब बोले जाते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी जो वर्ब होती है एडवांस वर्ब बोलते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का मैंने बताया था आपको, जैसे कि आपकी हेल्पिंग वर्ब जो
प्राइमरी वर्ब होती है बी फॉर्म में होती है, बी का होता है जैसे बी का बीन, ठीक है, वाज, वर, हैड, हैव, हैड, ठीक है, डू, डिड, डज, ठीक है, इज, हैव, आज, ये सारी की सारी क्या हमारी प्राइमरी वर्ब है और इसके बाद में ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद में जो एडवांस वर्ब है इनको एडवांस वर्ब बोला जाता है, जैसे जीरो है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, मैंने बोला आपको टू टाइप होते हैं, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, एक नॉन फाइनाइट होती है। नॉन फाइनाइट के टाइप होते हैं टू, जैसे टू इन्फिनिटिव, यानी बे इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव के फिर अनेक बार पार्ट होते हैं, जैसे जीरो है, पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, एंड जो हैविंग वाला था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस में हमें आप ये वर्ब का यूज़ करना पड़ता है। पॉजिटिव वर्ब के बारे में बताया मैंने, जो एक्सिलरी वर्ब होती है, मोनोल वर्ब होती है, ये सारी की सारी वर्ब है। नेक्स्ट वीडियो हमारी जीरो के ऊपर, प्रेजेंट के ऊपर, पास्ट पार्टिसिपल के ऊपर, परफेक्ट पार्टिसिपल के ऊपर, टू इन्फिनिटी के ऊपर, वे इन्फिनिटी के ऊपर, जो हमारी जो वीडियो आएगी उसके अंदर आपको स्पेशल वर्ब ओनली 5 मिनट की जो हमारी वो वीडियो रहेगी उसके अंदर आपको बाकायदा, जैसे जीरेंट नाम लिख रहा है, जीरेंट के नीचे कौन कौन सी वर्ब के साथ जीरेंट का यूज होगा, पार्टिसिपल है तो कौन सी वर्ब आएगी, इसके साथ कौन कौन सी वर्ब आएगी, इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल के साथ या टू इन्फिनिटी के साथ ऐसी वीडियो आएगी, तो उनको ध्यान में, यानी कि हम ध्यान में रखते हैं सारी की वीडियो। कल हम हमारी वीडियो 5 या 6 बजे हमारी वीडियो हम डाल देंगे कल, तो आप प्लीज़ ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। कमेंट अभी हिडन किए हुए हैं, हम ओपन कर देंगे।